मध्य प्रदेश की संभावित तीसरी लहर के नए वायरस ओमिक्रॉन ने कई राज्यों में दस्तक दे दी है। नए वेरिएंट के आने के बाद प्रदेश के गृह मंत्री ने स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर अस्पतालों का निरीक्षण किया है। इसके साथ ही हेलीकॉप्टर क्रैश मामले को देश की सबसे बड़ी क्षति बताया है। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान द्वारा पिछले दिनों नए वेरिएंट को लेकर प्रदेश क्राइसिस कमेटी की बैठक के साथ ही तमाम विभागों के अधिकारियों को स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल करने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए थे और इसी के साथ प्रदेश के तमाम जिलों के प्रभारियों को क्राइसिस कमेटी के साथ समन्वय बैठाकर स्वास्थ्य सुविधा बहाल करने के निर्देश के बाद इंदौर शहर के प्रभारी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा द्वारा अधिकारियों के साथ शहर के निजी हॉस्पिटल्स का दौरा कर उनके द्वारा स्थापित किए गए ऑक्सीजन प्लांट व स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण किया गया। इस मौके पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना था कि संभावित तीसरी लहर में ऑक्सीजन की कोई किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो वहीं हेलीकॉप्टर क्रैश मामले में उनका कहना था कि देश को काफी क्षति हुई है जिसकी पूर्ति करना बहुत मुश्किल है। हमारे सेना के सेनापति हमारे बीच से चले गए और उनके साथ उनके परिवार की भी क्षति हुई है। कल का दिन काला दिवस था जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस बार बिल्कुल भी ऑक्सीजन को लेके हाहाकार नहीं मचेगा। ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं इंदौर में पूरी तरह से व्यवस्थित है। इस प्लांट पे आप लोग खड़े हुए हो, ये 570 लीटर पर मिनट बनाता है। ऐसे हमारे प्लांट सारे के सारे तीन पे तो मैं अभी जाने ही वाला हूँ, इंदौर में तैयार है। 97% प्यूरीफाई का हमारा ये प्लांट है और इसलिए ये आशंका निराधार है कि कोई हाहाकार ऑक्सीजन को लेकर मचने वाला नहीं। पूरे प्रदेश के अंदर हमारे हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट तैयार है। मसले की समस्या ये है कि जितनी रिक्वायरमेंट है हमको 138 टन की जरूरत एक दिन में पड़ रही थी दूसरी लहर के दौरान, लेकिन तीसरी लहर के लिए ये फिगर थोड़ा कम नजर आ रहा है। इसके अलावा क्या वैकल्पिक व्यवस्था रहने वाली है? भाई से प्रार्थना है कि तीसरी लहर नहीं आएगी, अगर आती है तो जितनी आवश्यकता है उतनी हमारे पास उपलब्ध है।